नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा के न्यू SP125 के BS6 मॉडल के बारे में, जो कि काफी अच्छी बाइक है और इसमें बहुत से ऐसे न्यू फीचर्स मिल जाते हैं जो कि 125 सेगमेंट में बिल्कुल नया दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले इसके बारे में फुल डिटेल में, इसकी ऑनरोड प्राइस कितनी, इसका एक्सोरूम प्राइस कितना, इसके न्यू फीचर्स क्या, साथ ही साथ इसमें आपको अब माइलेज कितना मिल जाता है उसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको सारी जानकारी इस बाइक के बारे में मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बिंग टेक्नोज में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। या फिर आपको वीडियो को स्टार्टिंग में एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा, वहां से जाएंगे डायरेक्ट एजेंसी पे कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट ऑनर प्राइस जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बगल में पड़े बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आप आगे आने वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इस बाइक के फ्रंट से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलेगा वही सेम आपको मिल जाता है, टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन, जो कि आपको राइडिंग में काफी अच्छा कंफर्ट देने वाली है। जो BS4 आता था उसकी अपेक्षा में जो BS6 का सस्पेंशन लगाया काफी अच्छा कर दिया गया है, तो आपको कंफर्ट काफी अच्छा मिल जाता है BS6 में। और वही इसका जो फ्रंट ब्रेक आपको मिलेगा, अगर आप डिस्क वाला वेरियंट लेते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद CVS सिस्टम के साथ। अगर आप इसका ड्रम वाला वेरियंट लेते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है विद CVS सिस्टम के साथ। इसका जो फ्रंट टायर आपको मिलेगा वॉक मिल जाएगा 80-100-18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। अब बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं पहले इसका जो मीटर कंसोल मिलता था वो सेमी डिस्टर्ब मिलता था, लेकिन अभी इसमें आपको फुल्ली डिस्टर्ब मीटर कंसोल मिल जाता है। इसमें आपको मिल जाएगा ट्रिप मीटर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा फीचर्स इसमें दे दिया गया है। जो कि आप देख सकते हैं 125cc की पहले जो बाइक आती थी उसमें जैसे कि पल्सर हो गया, ऐसे एक दो बाइक थी जिसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको SP125 में भी आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट के बारे में, तो चलिए इसको ऑन करके दिखा देते हैं इसका हेडलाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जैसे ही हेडलाइट ऑन करेंगे आप देख सकते हैं इसका जो हेडलाइट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा फुल्ली LED हेडलाइट मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा लुक दे देती है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो ब्राइटनेस आप देखेंगे, अगर जैसे ही आप हाई बीम करते हैं ना तो इसका जो ब्राइटनेस निकल के आता है काफी अच्छा दिखता है। और साथ ही साथ इसमें आपको नाइट में आपको जो विजिबिलिटी मिलेगी ना काफी अच्छी मिल जाती है, जो कि आपको नाइट राइडिंग में काफी अच्छा मदद करने वाली है। और वहीं अब बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्विच में ही आपको दो काम मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लो एंड हाई बीम का स्विच और साथ ही साथ पास स्विच का जो होता है वो दोनों एक ही में मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडिकेटर स्विच मिल जाता है और साथ ही साथ हॉर्न स्विच मिल जाता है। और वहीं अब बात कर लेते हैं इसके राइट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी चेंजेस की गई है होंडा की तरफ से। इसमें आपको इंजन क्यूल स्विच के साथ साथ इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर का बटन मिल जाता है जिससे आप बाइक को ऑन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके इंजन को भी ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऑन करके दिखा देते हैं एक बार, ऑन ऑफ करके कि ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों आपने देख लिया इसका जो फंक्शन है ना, ये इंजन के स्विच का काफी अच्छा दिया गया ऑन ऑफ करने का। और वहीं अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, तो इसका जो इंजन आपको मिलेगा वॉक मिलेगा 124cc का 4-स्ट्रोक SI इंजन मिल जाता है। इसका जो मैक्स पावर आपको मिलेगा वॉक मिलेगा 10 BHP का 7,500 RPM के साथ। इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आता है वो निकल के आता है 10.9 Nm का 6,000 RPM के साथ। इसका जो बोर मिलेगा वॉक मिलेगा 50mm का, स्ट्रोक जो मिलेगा वॉक मिलेगा 63.1mm का। फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलने वाला वॉक मिलेगा प्रोग्राम FI मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका जो फ्यूल इफिशिएंसी मिलेगी वो आपको काफी अच्छा मिल जाती है। तो अगर आप बाइक एवरेज स्पीड में राइड करते हैं तो ये बाइक आपको 65 से 70 का माइलेज आपको आराम से दे देगी। नंबर ऑफ गियर की बात करें तो इसमें आपको 5 गियर मिल जाते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए सेल्फ और साथ ही साथ इसमें आपको किक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप मान लीजिए बाई चांस आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप किक मार के बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहीं अब बात करें तो इसके सीटिंग पोजीशन के बारे में, तो इसका जो CB Sign SP पहले आती थी उसका जैसा सीट दिया गया था, सिंगल सीट दिया गया था, लॉन्ग सीट, वैसे ही सेम मिल जाता है, जैसा कि आपको कंफर्ट मिलता था काफी अच्छा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पिलियन ग्रेवरी लगाया गया ना उसमें आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कुशनिंग कर दी गई, जो कि काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा फील देता है। अगर आप इसके पिलियन ग्रेवरी को पकड़ेंगे ना काफी अच्छा फील देता है, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है ना काफी अच्छा लगता है देखने में। और वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सीट की कुशनिंग दी गई है वो भी काफी अच्छा सॉफ्ट दे दी गई है। अगर आप इससे लॉन्ग राइड करना चाहते हैं 60-70 किलोमीटर तो आप आराम से इस बाइक से कर सकते हैं। और वहीं अब बात कर लेते हैं इस बाइक के टेल लाइट के बारे में, तो इसका जो टेल लाइट आपको मिलेगा वो आपको बल्ब टेल लाइट मिलता है, लेकिन आप इसका लुक देखेंगे जैसा लगेगा कि आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको बल्ब टेल लाइट लगाया गया है। लेकिन इसका लुक देख सकते हैं पीछे से काफी स्पोर्टी लगता है और साथ ही साथ काफी अच्छा लगता है देखने में। वहीं अब बात कर लेते इस बाइक के रियर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एग्जॉस्ट आपको मिलेगा वो काफी अच्छा लुक मिल जाता है, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं इसमें आपको स्टील का प्लेट लगाया हुआ मिल जाता है, जो कि आपके पैर को जलने से बचाता है। और वहीं अब बात कर लेते इसके रियर टायर के बारे में, तो इसका जो रियर टायर मिलेगा वो भी आपको मिल जाएगा 80
118 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ, और वहीं इसका जो रियर ब्रेक आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और वहीं अब बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो वो आपको मिल जाएगा 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपको राइडिंग में काफी अच्छा कंफर्ट देने वाली है। तो दोस्तों अब बात कर लेते इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, तो इसका जो डायमेंशन आपको मिलेगा वही सेम आपको मिल जाता है, इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो इसका जो ओवरऑल लेंथ मिलेगा वो मिलेगा 2020 mm का, इसका जो ओवरऑल हाइट मिलेगी वो मिलेगा 1103 mm का, इसका जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1285 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 160 mm का, जो कि इंडियन रोड की अपेक्षा में काफी अच्छा दिया गया है। इसका जो सीट हाइट आपको मिलेगी वो मिल जाएगा 790 mm का, इसका जो कार वेट मिलेगा वो मिल जाएगा 117 kg का, अगर आप डिस्क वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसका जो कार वेट मिलेगा वो मिल जाएगा 118 kg का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिलेगी वो मिल जाएगी 11 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। फ्यूल टैंक पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा काउल लगा है वो मिल जाता है, जिसपे आपको मिल जाएगा 3D में होंडा का लोगो लिखा हुआ मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी स्पोर्टी ग्राफिक्स मिल जाती है, जो कि इस बाइक को काफी एग्रेसिव लुक दे देता है और साथ ही साथ काफी न्यू लुक दे देता है इस बाइक को। तो दोस्तों ये था इस बाइक का डायमेंशन जो कि आपको बता दिया गया है। अब बात कर लेते इस बाइक के कुछ मेन चेंजेस के बारे में जो कि इस बाइक को खास बनाती है। तो इसमें कंपनी दावा करती है कि इसमें आपको मिल जाएगा ESP इनहेंस स्मार्ट पावर, और साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा साइलेंट स्टार्ट विथ ACG, जो कि आपके बाइक को साइलेंटली स्टार्ट करने में मदद करती है, जो कि काफी अच्छा दिया गया। बाई चांस आप मान लीजिए कहीं भी ये बाइक खड़ी की है जहाँ पे साइलेंट मतलब थोड़ा सा शोरगुल कम होता है, जैसे कोई एरिया होते हैं जहाँ पे हॉर्न या फिर कुछ भी ज्यादा शोर करना अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ पे आप इस बाइक को यूज कर सकते हैं, साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं अब बात कर लेते इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इसका जो ड्रम वाला वेरियंट आता है उसका जो एक्सोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ जाएगा 72,000 से 73,000 के बीच में उसका एक्सोरूम प्राइस पड़ जाता है। और वहीं ड्रम वाले वेरियंट का ऑनरोड प्राइस की बात करें तो उसका जो ऑनरोड प्राइस निकल के आता है वो निकल के आता है 85,000 से 90,000 के बीच में इसका ऑनरोड प्राइस पड़ जाएगा, क्योंकि हर सिटी का जो ऑनरोड प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने एक अंदाजा लगा के बताया है जिससे कि आप अपना बजट सेट कर सकें इस बजट में आपको इस बाइक को लेना है। और वहीं इसका जो डिस्क वाला वेरिएंट आता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसका जो एक्सोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ जाएगा 77,000 से 78,000 के बीच में इसका एक्सोरूम प्राइस पड़ जाता है। और वहीं जो इसका डिस्क वाला वेरिएंट है उसका जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा वो पड़ जाएगा 90,000 से 95,000 के बीच में इसका ऑनरोड प्राइस पड़ जाता है। अगर आप इस बाइक का एग्जैक्ट ऑनरोड प्राइस जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा, वहां से चाहेंगे डायरेक्ट एजेंसी पे कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट ऑनरोड प्राइस जान सकते हैं। दोस्तों ये था इस बाइक का प्राइस जो कि आपको बता दिया गया है। अब बात कर लेते इस बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसका जो माइलेज आपको मिलेगा वो आपको पहले भी अच्छा मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको काफी अच्छा मिलने वाला माइलेज, क्योंकि इसमें आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम FI दिया गया है, जिसकी वजह से इस बाइक का जो फ्यूल इफिशिएंसी मिलेगी वो आपको काफी अच्छी मिल जाती है। तो इसका जो माइलेज आपको पड़ेगा वो आपको 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर आपको माइलेज आपको आराम से ये बाइक दे देगी, अगर आप बाइक को एवरेज स्पीड में और इकोनॉमिक मोड में राइड करते हैं तो ये 70 प्लस का माइलेज आपको आराम से दे देगी। तो दोस्तों ये था इस बाइक का प्राइस, स्पेसिफिकेशन और माइलेज जो कि आपको बता दिया गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बगल में पड़े बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आप आगे आने वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।